नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार, उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ मिस्टर सहदेव राम सर जुड़ चुके हैं, जो कि इंडियन रेलवे में पेंटर डेजिग्नेशन पे कार्यरत है और MCM डिपार्टमेंट में। सबसे पहले तो मैं सहदेव राम सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, ताकि अपना इंडियन रेलवे का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सके और इनके एक्सपीरियंस से आपको कुछ जानकारी मिल सके। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। सबसे पहले आप अपना परिचय दें सर। मेरा नाम सहदेव राम है, हम सीनियर पेंटर हैं। जितना गोमो का गाड़ी है सब मेरा ही हाथ का लिखा हुआ बोर्ड चलता है। अच्छा। और सब जगह भी हम काम किए हैं, चौपन में किए हैं, सिंगरौली में किए हैं, लाल गाड़ी जहाँ जहाँ भी है। अच्छा। पाथलडी में है। अच्छा। बरवाडी में है, सभी जगह मेरा ही हाथ का उसमें लेटरिन जो होता है गाड़ी पर जो काम करते हैं हम लोग, नंबर वगैरह वो सब हम ही लिखते हैं। अच्छा। और सब अभी गोमो का जो स्क्रीन पेंटिंग बोर्ड निकला है वो भी हम लोग छपाई करते हैं हाथ से ही। अच्छा। तो सर, भारतीय रेलवे में आप कब ज्वाइन किए? 1983 में। 1983 में? जी जी। तो सर, 1983 में आप कौन से पोस्ट पे ज्वाइन हुए? हम लेबरर में ज्वाइनिंग किए थे, फिर खलासी हेल्पर हुए, फिर सीगर पेंटर हुए, टू हुए, वन हुए, अभी MCM है। 3 साल और हमारा नौकरी बचा हुआ है, बस किसी तरह से बेड़ा पार करना है। अच्छे से समय दे रहे हैं, सवेरे आते हैं, शाम को जाते हैं, अच्छा समय से हम 8 घंटा ड्यूटी एक्चुअल करते हैं भाई। हम आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, हम खुश हमेशा रहते हैं। अच्छा। हाँ, इस खुशी का राज क्या है? राज क्या है? हम जब खुश रहेंगे सारा देश खुश रहेगा, सारा स्टाफ खुश रहेगा, सुपरवाइजर खुश रहेगा। 1983 में जब ज्वाइन किए थे सर, तो उसमें कौन से पोस्ट पे ज्वाइन किए? ग्रुप डी में कौन से पोस्ट? नहीं नहीं, ग्रुप डी में उस समय लेबरर होता था। उसमें ग्रुप सी? ग्रुप नहीं नहीं नहीं, उस समय लेबरर था। लेबरर था। तो आपका उसमें मतलब पोस्ट का नाम क्या था? लेबरर। हाँ, लेबरर था। अच्छा। हाँ। तो आपका जो पहला प्रमोशन लगा सर 1983 में ज्वाइन करने के बाद, पहला प्रमोशन कब लगा? 83 में, 1783 वाली डेट है। हाँ। सातवां महीना। हाँ। हाँ। तो पहला जो प्रमोशन लगा वो कौन से ईयर में लगा? 1986 में? वो 5 साल के बाद हुए थे, फिर हम खलासी हेल्पर। मतलब 1983 में ज्वाइन किए, 1988 में खलासी हेल्पर हो गए। हुए। अच्छा, उस समय तक भी ग्रुप सी ग्रुप डी कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं हुआ था। अच्छा। उसके बाद खलासी हेल्पर हम हुए 5 साल के बाद। उसके बाद फिर हम 2006 में हम सी ग्रेड पेंटर हुए। बहुत दिन हम लेबरर खलासी में रहे हैं। अच्छा। 24 साल रहे। हाँ, हाँ। 6 में हम गोमो आए हैं। हाँ। और यहीं पर 3 हमारा प्रमोशन मिला। हाँ। सी ग्रेड, बी ग्रेड, ग्रेड 1 और MCM अभी 18 में हुए हैं। हाँ। बस 3 साल और नौकरी बचा हुआ है। हाँ। 23 तक ले करना है। हाँ। उसके बाद सेवानिवृत्त। 1983 में जब आप लेबरर थे सर, तो उस समय आपका काम क्या होता था, आप करते क्या? उस समय गाड़ी धोलाई होता था, हमारा डिपार्टमेंट गाड़ी धोता था। उस समय आपका काम था गाड़ी धोना? हाँ, गाड़ी धोना, वॉशिंग करना। हाँ। साबुन सरफ से सफा करना, लेबरर का वही काम ही होता था। तो 1983 के बाद जब आपका प्रमोशन लगा सर 1988 में। हाँ। जब आप लेबरर खलासी बन गए। हाँ। तो फिर आपके काम उस में समय मिस्त्री के साथ हम फिर एग्जामिन में करने लगे। अच्छा, जहाँ पहले आप गाड़ी धोते थे। हाँ, उसके बाद आप एग्जामिन करने लगे, चक्का देखने लगे। अच्छा। और सब जो अंडर गियर का जो काम होता है, ब्रेक ब्लॉक होता है, जो चक्का में ये होता है, तेल होता है, ग्रीस होता है, मोबिल होता है, वो सब उल्टा पलटी वही सब करते थे। अच्छा। झोला लेकर चलना। तो 1988 के बाद सर फिर आपका अगला प्रमोशन कब लगा? अगला प्रमोशन जब 2006 में हम पेंटर हुए। तो मतलब खलासी से, खलासी लेबरर से 2006 तक आप? हाँ, खलासी लेबरर ही लेबरर रहे। 2006 में पेंटर बने। पेंटर बने। तो उस समय सर आपके काम में क्या अंतर वही आया? पेंटर बोर्ड वाला काम रहा। हाँ। गाड़ी का बोर्ड लिखना। अच्छा। गाड़ी पेंट करना। हाँ। नंबर लिखना। हाँ। सब मतलब जितना भी काम होता था पेंटिंग का हुआ। और अभी तक हो ही रहा, और अब तक भी लास्ट तक वही हमारा होगा। ये तो मेरा लास्ट हो गया, अब पेंटर से हमारा कहीं नहीं जाना, ये लास्ट मेरा प्रमोशन है। हाँ। हाँ। तो 2006 से अभी तक आप पेंटर ही हैं? हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा। तो सर अभी ये जो पेंटर हुए था उसमें ग्रेड है। हाँ। अभी सी ग्रेड हुए, फिर बी ग्रेड हुए, ग्रेड 1 हुए, ये MCM लास्ट पोस्ट हमारा अभी है। से सीनियर है ही नहीं? नहीं नहीं, इससे सीनियर, सबसे सीनियर है। हाँ, हाँ, सबसे सीनियर है। अगर हम पढ़ा लिखा रहते। हाँ। तो सुपरवाइजर में जाते हैं। हाँ। ऑक्शन आए थे, लेकिन हम लिख कर दे दिए कि हमसे नहीं होगा, हम 5वें तक ले पढ़े हुए हैं, इसलिए लास्ट हमारा प्रमोशन यही है। अच्छा। हाँ। तो सर ये जो आपका मतलब कि जब ज्वाइन किए थे सर 1983 में, तो आपकी तनख्वाह कितनी सर थी? वो 196 था उस समय। 196? बस बस बस। अच्छा, अभी आपकी तो महीने की तनख्वाह? अभी 41,100 है हमारा नेट पे। हाँ। और ग्रॉस अमाउंट सर? ग्रॉस 50 से ऊपर बनता है, 52 तक। और सुविधाएं क्या क्या मिलती है सर रेलवे की तरफ से? रेल से पास मिलता है, मेडिकल सुविधा है, हमारे वाइफ का 2 बार मेजर ऑपरेशन हुआ मद्रास में, वही सब सुविधा है। रेलवे क्वार्टर देता है, पानी देता है, सब कुछ है, ट्रेन में आना जाना फ्री है हमारा। हाँ। आप पूरा खुश है रेलवे से? पूरा खुश है। सर आपका कोई एक सबसे खूबसूरत पल सर भारतीय रेल के साथ, जिसको आज भी आप याद करते हैं तो आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है? वैसे तो आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं सर, फिर भी उसको याद करके खुशी आ जाता है। सब ठीक है भाई, अपना अपना जो
कर्तव्य हम अच्छा करेंगे तब सभी खुश रहेंगे। नए युवाओं जो अभी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या जो रेलवे में नौकरी ले लिए नए छात्र, आप उनको क्या मैसेज देंगे सर? क्या देंगे उसको? यही मैसेज देंगे कि हम अच्छा से जैसे हम अपना जिंदगी बिता रहे वैसे तुम अच्छे से नौकरी करो, 8 घंटा समय दो, कोई भी काम करो, काम कोई छोटा नहीं होता है, सब अपना अपने जगह पर अपने काम पर व्यस्त रहें, करें और बढ़िया से करें, निभावें। जब रेल में आए तो रेल का कम से कम आगे बढ़ाने की कोशिश करो कि हाँ हमारा रेल यात्री बढ़िया से रहे। और कोई फाइनल मैसेज सर, जो ऐसा सवाल जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ हमारे चैनल के माध्यम से देश के युवाओं को मैसेज देना चाहते हैं? जितना बोलना था हमारे बोल दिए भैया। ठीक है सर, आपका खुशी देख करके बहुत अच्छा लगा और हमारे साथ टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको लेट हो रहा है हमारे साथ समय देने के लिए धन्यवाद। यदि हमारे वैसे कुछ असुविधा हो इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं सर। धन्यवाद सर। ठीक।